हेलो दोस्तों, तो आज की 2 मिनट सीरीज़ में हम इन्फ्रा के बारे में बात करेंगे। इन्फ्रा में स्पेसिफिकली हम रेलवे से एसोसिएटेड कुछ प्रोग्राम्स की बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले है आपका डायमंड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल बेसिकली यहाँ पर जो है 4 मेगा सिटीज़ को जोड़ने की बात करेगा। कौन कौन सी सिटीज़? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक है। किस तरह से जोड़ना है इनको, ध्यान देना, हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। तो कहीं अगर आपको एग्जाम में हाईवेज आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा, हाईवेज की बात नहीं हो रही है, रेलवे के प्रोग्राम्स हैं। तो इन्हीं 4 सिटीज को डिफरेंट तरीके से जोड़ने से एसोसिएटेड है ये डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ठीक है। एक है आपका मिशन 41 के। तो रेलवेज क्या कह रही है कि यूजली जो भी ट्रैफिक मूव होता है रेलवेज में, राइट, दैट मूव्स ओवर डीजल, ऑब्वियसली डीजल यूज किया जाता है। लेकिन अब सरकार क्या चाह रही है कि जो 90% ऑफ दिस ट्रैफिक है इसको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आगे बढ़ाया जाए। इससे क्या होगा, जो डीजल पे खर्चा हो रहा था, राइट, उसको कम करके अब इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा किया जाएगा। तो रेलवे कहती है कि डीजलिंग करके, हम डीजल को रिप्लेस करके हम 41,000 करोड़ रुपीज़ बचा सकते हैं। तो ये जो 41,000 करोड़ रुपीज़ बचाने की बात है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ये किसकी बात कर रहा है, मिशन 41K की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या होगी कि यू आर ट्राइंग टू सेव दिस पर्टिकुलर कॉस्ट, हाउ, बाय आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रैक्शन पे मूव कर रहे हो, ठीक है, ओके। तीसरी रेलवे से एसोसिएटेड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो रेलवे से एसोसिएटेड हैं। पहली माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया और दूसरी मुंबई की छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। तो दोनों फैक्चुअल डेटा है, आपको याद रखनी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका ई दृष्टि सॉफ्टवेयर। दृष्टि क्या होता है, देखना, राइट। तो बेसिकली दिस प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, किससे एसोसिएटेड, रेलवे से एसोसिएटेड। किस तरह की इन्फॉर्मेशन, ट्रेन की रनिंग पे इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कितनी पंचुअल थी, है ना, कितनी लेट हुई, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी आपकी फ्रीड से अर्निंग है, फ्रीड क्या होता है, जब सामान यहाँ वहाँ भेज रहे हो उससे जो अर्निंग्स हैं, राइट, उनको भी ये एसोसिएट करता है, उनके बारे में भी डेटा देता है, राइट। एंड नॉट ओनली डेटा देता है बट कंपैरिजंस भी करता है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डेज की, डिफरेंट डेज में फ्रीट अर्निंग में क्या डिफरेंस रहा, फ्रीट लोडिंग में क्या डिफरेंस रहा, राइट, या फिर पैसेंजर अर्निंग्स में, ठीक है, कि हर मंथ हर ईयर में किस तरह के कंपैरिजंस रहे हैं, उनके बारे में भी आपको डेटा देता है, ठीक है। एक ट्रेन 18 करके भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट श्योर वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्ड ऑन दिस, बट आई वॉन्ट यू टू नो दिस, बिकॉज ये जो ऐसी एक ट्रेन है जो कि 100% मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे बेस्ड है, राइट, एंड इट इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप ट्रेन्स जो कि जिसका कि पहला प्रोटोटाइप चेन्नई में बिल्ड किया गया है एट अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 20 months, राइट, और क्योंकि ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है तो सिमिलर कॉस्ट, जो सिमिलर ट्रेन्स रहती हैं, राइट, जो 100% मेक ऑफ इंडिया नहीं रहती हैं, राइट, उसकी कॉस्ट से, क्योंकि इसको मेक इन इंडिया किया गया है, सारे की सारी चीज़ें इंडिजिनसली आपने बिल्ड की हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी जो कॉस्ट है वो भी हाफ हो गई है, राइट। सो दे कैन ऑलवेज आस्क यू क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एसोसिएटेड विद मेक इन इंडिया प्रोग्राम, तो कहीं ना कहीं उसमें ट्रेन 18 आ सकता है। इन जनरल डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। एक मिशन रफ्तार न्यूज़ में रहा है, राइट, रेलवे से एसोसिएटेड। तो इनका बेसिक एजेंडा क्या है, ये डबल करना चाहते हैं एवरेज स्पीड ऑफ फ्रीट ट्रेन्स, राइट, एंड एवरेज स्पीड ऑफ ऑल नॉन अर्बन पैसेंजर ट्रेन्स बाय 25 किलोमीटर पर आर नेक्स्ट 5 years, ठीक है। तो आप याद रखेंगे फ्री ट्रेन्स की एवरेज स्पीड प्लस नॉन सब अर्बन पैसेंजर की स्पीड, राइट, तीसरी कितनी बढ़ा रहे हैं, 25 किलोमीटर पर आर इन नेक्स्ट 5 years। तो प्रॉपरली फैक्चुअल डेटा है दोस्तों, 2 नंबर हैं, बिल्कुल भी हमने गंवाने नहीं है। एक आपकी स्फूर्ति ऐप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, स्फूर्ति का फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट फ्रीट ऑपरेशन, सॉरी ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं ये फ्रीड से ही एसोसिएटेड होगी, तो बेसिकली ये पूरे के पूरे फ्रीड बिजनेस के बारे में डेटा प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगेन एक जो लास्ट चीज़ आपको पता होना चाहिए, राइट, रेल मदद नाम से एक ऐप है, राइट, इनका बेसिक एजेंडा क्या, मदद कर रही है, तो जितने भी पैसेंजर्स को कोई भी कंप्लेंट्स हैं, राइट, ये उनको असिस्ट करेगी। तो जैसे ही आप कोई कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे आपको एक इंस्टेंट आईडी मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आगे आपको जो भी एक्शन लेते जाएंगे उससे एसोसिएटेड आपको SMS भेज दिया जाएगा एंड इवेंचुअली योर इशू विल बी रिजॉल्व्ड, ठीक है। तो ये 5-6 इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो न्यूज़ में रही हैं, 2 नंबर हैं दोस्तों, बिल्कुल भी हमने गंवाने नहीं है, ट्राई टू रिमेंबर देम
as soon as possible, and we'll come up with a next 2-minute thing next week on Monday, geography se associated. Tab tak ke liye, okay doston, bye bye.